जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो मूवी का नाम है हेलोवीन पुशी ट्रैप किल किल। मूवी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 2004 में। यहाँ पे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकन आर्मी और आतंकवादी के बीच में गोलीबारी चल रही थी और अमेरिकन आर्मी बहुत आतंकवादी को मार डाला था, लेकिन इतना आतंकवादी पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल था और उनकी आर्मी बहुत कम बची थी। फिर भी वो लड़ते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पाकिस्तानी ने उन्हें पकड़ लिया और अपने कैंप में लेकर चले गए। पर अमेरिकन आर्मी उनके सामने झुकने वाली नहीं थी, लेकिन आतंकवादी का लीडर एक अमेरिकन आर्मी का सर काट के अलग कर देता है और एक आदमी का सर पर गोली मार देता है और एक की फेस की चमड़ी चाकू से काट कर निकाल लिया जाता है। फिर सीन बदलता है और अमेरिका में हेलोवीन पार्टी दिखाई देती है, जहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग ड्रेस पहने अपने दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय करते दिख रहे हैं। यहाँ पर लड़कियों का एक म्यूजिकल बैंड भी था जो कि पार्टी में गाना गाने जा रहे थे। उनके बैंड का नाम था किल पुशी किल। उनका सॉन्ग खत्म होने के बाद में डीजे स्पीड और मिस्टी गाड़ी में बैठ के नशे करने लगते हैं और एम्बर और कैट एक दूसरे को किस करने लगते थे, क्योंकि वो दोनों लेस्बियन थी। और नशे करते करते मिस्टी और स्पीड कपड़े खोल कर इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी आता है और गाड़ी के पास आकर चिल्लाने लगता है। स्पीड बाहर आता है और वो आदमी मिस्टी को अकेला छोड़ देने को कहता है। फिर स्पीड इस बात से गुस्सा होकर उस आदमी को मारता है और मिस्टी गाड़ी से बाहर आकर स्पीड को गाली देने लगती है, क्योंकि ये आदमी एक अपाहिज को मार रहा था। और उसी टाइम सारी लड़कियां और ओजर वहां पर आ गए होते हैं और सभी स्पीड को ही गलत बोलते हैं। तो स्पीड वहां से गुस्सा होकर कुछ दूर वहां पीटर नाम के एक बंदे के पास चला जाता है और वो आदमी भी उसी तरफ जाता है और वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। स्पीड पीटर के साथ कहीं पे चला गया था तो उनका रात का शो कैंसिल हो जाता है। तो रोजर मिस्टी नतालिया एम्बर कैट कहीं घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक गेस्ट स्टेशन पर रुक जाते हैं। मिस्टी कार से उतर कर गेस्ट स्टेशन के अंदर चली जाती है। बाकी के लोग गाड़ी में फ्यूल डलवाने लगते हैं। जब अंदर से नहीं आती है तब कैट अंदर देखने जाती है तो अंदर कोई नहीं था। सभी मिस्टी को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कहीं नहीं मिल पाती है, ना ही उसका फोन लग रहा। तभी वहाँ पर डेल नाम का एक आदमी आता है और वो लोग उससे मिस्टी के बारे में पूछते हैं और वो इतने नशे में था कि उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। तो वो लोग वहाँ से निकलकर मिस्टी को बाद में ढूंढने वाले थे, लेकिन अब उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो एम्बर डेल से दूसरे कार के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि वहाँ से कुछ दूर उन्हें कार मिल सकती है। सब लोग डेल कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। डेल उन्हें एक घर के सामने लाकर रोकता है और वो एक गैस मास्क पहनकर कार में गैस छोड़ देता है और सब वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। डेल एम्बर को उठाकर घर के एक बेसमेंट में ले जाता है। कुछ देर के बाद वे नतालिया को होश में आता है तो वो कहती है कि हम लोगों को यहाँ पर टेप करके रखा गया है और सबको एक एक करके होश में लाती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो लोग आपस में ही झगड़ा करने लगते है। तभी कैट एक रोल लेकर दीवार पर मारती है। इतनी मजबूत दीवार थोड़ी ना टूटने वाले थे। तभी रूम में एक आवाज गूंजती है कि तुम सभी एक बार गेम में हो, यहाँ से 3 रूम पार करके तुम बाहर जा सकते हो, पर दूसरे रूम तक जाने के लिए किसी एक को मरना पड़ेगा, यानी कि किसी न किसी को मरना पड़ेगा। कैट को उस आदमी की आवाज याद आती है कि ये तो व्हील चेयर वाला आदमी का आवाज है, लेकिन खेल के पहले वो आदमी उन पर एक एक्सपेरिमेंट करता है। उनके बटन दबाते ही ये गैस उस रूम में निकलती है, जिसे सुनकर सभी को दिमाग पर ऐसा असर होता है कि सभी अपने सबसे बड़े डर को अपने सामने देखने लगते हैं और भागने लगते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी गैस बंद कर देता है और उन लोगों को ये गन खोजने को कहता है ताकि एक दूसरे को मार कर वो दूसरे रूम में जा सकते हैं। और ब्रिगेड को वो गन मिल गई थी। तभी वहाँ से एक डोर से मिस्टी अंदर आती है। उसकी फेस की एक साइड की चमड़ी चीरी हुई थी। वो लोग मिस्टी को संभालते हैं, उसके फेस के बारे में कुछ नहीं बोलते। ब्रिगेड किसी के ऊपर गन चलाने वाली थी और सभी लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी आवाज आता है कि अगर 30
सेकंड में नहीं मारी तो कुछ बुरा होगा, और वो आदमी वो नहीं मार पाती है। तभी वहाँ एक पाइप से एसिड गिरने लगता है, सभी का शरीर जलने लगता है, वो तड़पने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। स्पीड के पाइप को अलग करने की कोशिश भी करता है पर ऐसा नहीं कर पाते हैं। बाद में एसिड गिरना रुक जाता है, सभी के शरीर पर जल गए थे तो खून निकलता है। फिर से वो आदमी एक गैस छोड़ता है और आदमी आखिरी मौका देता है डिसीजन लेने का। और फिर ब्रिगेड ये सब सहन नहीं कर पा रही थी और वो रोजर पर गोली चला देती है, पर गैस की वजह से नजर नहीं आ रहा था तो एक ही गोली से रोजर और मिस्टी दोनों मारे जाते हैं। इन लोगों के मरते ही वो गैस अब रुक गई थी। तभी अगले रूम का डोर खुलता है, सबको उनकी मौत पर बुरा लगता है पर खुद को बचाने के लिए करना पड़ रहा था, और दूसरे रूम में चले जाते हैं। देख पाते हैं कि उस आदमी की वाइफ बरखा और उसकी बेटी उन दोनों को खेल के बारे में पता था, वो भी उसके जैसा साइको थे। उसके बेटी का फेस नॉर्मल नहीं था, अजीब दिख रही थी। तभी उस घर में कुछ लोग पार्टी के लिए आते हैं, डोर नहीं खुलता, वापस जाने लगते हैं। तभी व्हील चेयर वाला आदमी आके गोली मार देता है और बरखा उन लोगों को ठिकाने लगा देती है। उस रास्ते से पीटर और एस्पीड वहां से जा रहे थे, तभी एस्पीड को उस गेस्ट हाउस स्टेशन पर रोजर की कार दिखाई देती है। डेल से उस गाड़ी के लोगों के बारे में पूछता है और डेल उसी घर का रास्ता दिखा देता है। डेल की बातें भी एस्पीड को अजीब लग रही थी और वो कार में बैठकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है। तभी वहाँ लड़कियाँ दूसरे रूम में चली जाती है और वहाँ पर एम्बर अपने शरीर को आईने में देखकर डर जाती है। तभी पिछले रूम का डोर बंद हो जाता है, स्पीड कार से उतरकर उस घर में जाता है और वो उसी रूम पहुँच जाता है जहाँ पर रोजर और मिस्टी का लाश दिखाई देता है, और वह समझ नहीं पाता है कि यहाँ पर उन्हें कौन मारेगा और ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। पीटर और बिल्ली भी वहाँ पर आ जाते हैं। तीनों के अंदर जाते हैं, रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है। तीनों खोलने की कोशिश करते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं होता, नहीं वहां कोई फोन का सिग्नल आता है। वो आदमी उनको भी वहां से गेम के बारे में बताता है पर उन लोगों को समझ में नहीं आता। लड़कियों में अब ये टेंशन था कि उनमें से अभी कौन मरेगा। वो आदमी उन लोगों को लड़कों का आवाज़ सुनाता है, कैट को पता लगता है कि स्पीड है और वो आदमी 60 सेकेंड में वो मारे या उन्हें वजह से लड़के मारे जाए। कैट ब्रिगेड को कहती है कि मुझे मार दे, कि मैं ये सब चीजों से बहुत परेशान हो गई हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। तभी लड़कों के रूम में गैस लीक हो जाता है और अब उनको सांस भी नहीं मिल रही थी। वो लोग तड़पने लगते हैं और इधर लड़कियों के बीच में गन को लेकर झगड़ा हो रहा था तो गलती से गन कैट के हाथ आ जाती है और ब्रिगेड पर गोली चला देती है और लड़कों का गैस बंद हो जाता है और लड़कियों का तीसरा रूम खुल जाता है। वो वहाँ पर चली जाती है। लड़कों का जब होश आता है तब उनकी चमड़ी सब लाल हो चुकी थी और मुंह से झाग निकल रहा होता है। सभी अपने आप को संभालते हैं। इधर लड़कियों के रूम में एक गन मिलती है, नाटालिया गन उठाने वाली थी कि कैट उसे अपनी गन दिखाकर रोक देती है। नाटालिया कैट पर ही शक करने लगती है, उसे पता था कि सब ऐसा होने वाला है इसलिए वो रेडी थी। अब कैट इन सब बातों में झूठला देती है और कैट गुस्से में नाटालिया पर ही गोली चला देती है, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं थी। तभी मौका देखकर नाटालिया गन उठाना चाहती है, लेकिन कैट और उसके बीच झगड़ा हो जाता है और गन उन लोगों के दूर चला जाता है। ये देखकर एम्बर गन उठाकर उन लोगों को झगड़ा नहीं करने को बोलती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं और एम्बर की गोली नाटालिया को लग जाती है। लेकिन फिर भी वो आदमी वहाँ से उन्हें नहीं निकलने देता है, क्योंकि अब इस गेम में नए प्लेयर आ गए थे। दूसरे रूम में स्पीड एक मशीन को तोड़ने लगता है और तभी उस रूम में डेल आ जाता है और उसके हाथ में एक गन था। वो स्पीड को मारने लगता है और बिल्ली को गोली मार देता है और पीटर अपने भाई को मरता देख बहुत ही दुखी होता है। अब डेल पीटर से बातें कर रहा था, तभी मौका देखकर स्पीड उसके पैर में एक किल घुसा देता है और उसे मारने लगता है। तब पीटर गन उठा लेता है लेकिन डेल उसे मैनिपुलेट करने लगता है तो पीटर गोली नहीं चलाता है। स्पीड पीटर से गन छीन लेता है और डेल के पैर में गोली मार देता है। तब तक वो आदमी अनाउंस करता है कि पीटर को गोली मार दो, तब तुम्हें दूसरे रूम में ले जाया जाएगा। पीटर उस आदमी की बातों को नहीं मानता है और डेट की आंख निकाल कर कैमरे के सामने दिखाकर बोलता है कि तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे तो इसकी दूसरी आंख भी निकाल देगा। तब वो आदमी दूसरे रूम का डोर खोल देता है, एसपी डेल को अपने साथ ले जाने लगता है। दूसरे रूम में उन्हें ब्रिगेड की लाश दिखाई देती है और फिर दूसरे रूम का दरवाजा लॉक हो जाता है।
और फिर दूसरे रूम का भी दरवाजा खुल जाता है। लड़के और लड़कियां मिल जाते हैं। स्पीड और एम्बर एक दूसरे पर गन ताने हुए होते हैं। डेल लगातार कुछ भी बोले जा रहा था। अभी स्पीड गन से उसे मुंह पर मारता है और बाहर जाने का रास्ता पूछता है। डेल को कहते ही वो आदमी एक और दरवाजा खोल देता है और वहाँ पे एक गन थी और उस गन में किल निकल रही थी। सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पैट के ऊपर एक किल घुस जाती है और घबराहट में वो वाली रूम में ही आ जाती है। एम्बर और स्पीड एक मशीन वाले रूम में पहुंच जाते हैं। उस रूम का डोर पूरी तरह लॉक था, नहीं खुल रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो मर जाएंगे। और इधर कैट अपने पीठ पर लगी किल निकाल लेती है। तब तक वो आदमी वहां पर तेज साउंड में कुछ चला देता है। ये सुनकर वो तड़पती और चिल्लाती है। उसके कान और नाक से खून निकल जाता है। ये आवाज एम्बर और पीटर भी सुन पाते हैं, पर वो चाहकर भी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कैट के साथ में क्या हो रहा है। अब स्पीड उस आदमी को ये सब रोकने को कहता है, तभी अचानक डोर खुल जाता है। अब उन्हें डिसाइड करना है बचाने जाए या बाहर जाएंगे। स्पीड गेट के पास जाना चाहता है तो एम्बर समझाती है कि बाहर निकलते ही फिर मदद लेकर आ सकते हैं। फिर वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरफ कैट डोर खुलता है पर वह बाहर नहीं निकल पाती है, चिल्ला के रह जाती है। एम्बर और स्पीड चलते चलते एक जगह पर जाते हैं और तभी डेल आकर कील वाली लकड़ी स्पीड के सर पर मार देता है और स्पीड गिर जाता है। तभी डेल एम्बर को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ देता है और रेप करने लग जाता है। तभी एम्बर उसके औजार पर मार के गिरा देती है और वहाँ पे पड़े रस्सी से गला दबाकर बेहोश कर देती है। तभी वो आदमी एम्बर को लिफ्ट में जाने को कहता है और एम्बर लिफ्ट में जाती है तो उस रूम में आ जाती है जहाँ पर वो आदमी, तो वो बताने लगता है कि वो इसी देश के आर्मी में था, दुश्मनों से लड़कर देश को बचाया था। दुश्मनों ने जब उसे पकड़ा तो उसके चेहरे की खाल निकाल दी। उसे किसी ने नहीं बचाया, उसके जिंदगी की। हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।